हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ही अलग वीडियो है। ये इस वीडियो जिनके ऊपर बेस्ड है, आप सभी लोगों में से काफ़ी सारे लोग उन्हें जानते ही होंगे। एक्चुअली ये जो हैं ये पाकिस्तान के बहुत ही फेमस स्कॉलर्स में से एक हैं। इनका नाम है पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाए। मैंने सुना है कि ये काफ़ी खूबसूरत बयान करते हैं, काफ़ी इमोशनल बयान करते हैं। इनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बट मैंने आज तक इनकी कोई भी वीडियो देखी नहीं है। आप सभी लोगों में से मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे इनकी वीडियो पर, पर्टिकुलर वीडियो पर रिएक्शन देने के लिए मुझे वीडियो सजेस्ट किया था। तो ये जो वीडियो है ये प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ के एक छोटे से पार्ट पर बेस्ड है ये वीडियो। उस पार्ट पर इन्होंने अपना बयान दिया है। वैसे ये काफ़ी इमोशनल बयान देते हैं। तो आज तक तो मैंने, जैसे मैंने पहले कहा कि ये इनकी कोई भी वीडियो मैंने आज तक देखी नहीं है। तो आइए आप और मैं आज साथ में चल के देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है, वीडियो कैसी बनी है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से मुआशरे के दुख जो है वो सिमटे जा सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत से ही मुआशरत को जो है वो अपने करीब किया और लोग ईमान की दौलत से माला माल हो गए। वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास। उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया, तो वापस रोता हुआ आ रहा था तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने तो ला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, बुतों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्करा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो। कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कदमों पर। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया। कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में कि जादू घर आया है, जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए, वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे। उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी। तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद न छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी। हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करती जा रही। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है। उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट न जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल न जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे। तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई, तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पे मजबूर हो गए,
तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वह तेरे सामने कर रहा है। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत जदा के काम आए। हुजूर यतीम होके यतीम परवर थे, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत जदों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हसद ना फैलाओ, बुगज ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वहदा बने और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो। फाइनली वीडियो खत्म हो गई, वीडियो काफी अच्छी बनी हुई थी। मुझे तो वीडियो का हर एक वर्ड, हर एक लफ्ज ही रुलाने वाला लग रहा था, काफी इमोशनल था, मतलब इमोशनल से भी ज्यादा काफी रुलाने वाला। मतलब एक बच्चे को नहीं, अगर अपनी माँ के लिबास के लिए अपने चाचा से बोला कि मुझे दे दो कि मेरी माँ के लिबास फटा हुआ है, उसके चाचा ने उसकी मदद नहीं की। आजकल के लोग, उस जमाने के भी लोग ऐसे हैं, यकीन ही नहीं होता। सोचिए अगर उस जगह कोई भी होता तो क्या हम लोग उसकी मदद नहीं करते? बात एक औरत की इज्जत की थी। खैर वीडियो के बारे में बात करते, तो वीडियो आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी वीडियो, क्या एक एक लफ्ज इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था, इतना रुलाने वाला था कि अगर कोई भी इंसान कितना भी पत्थर दिलो वो अपने आप ही ये सब सुन करके एक बार उसके मन में, उसका मन पिघल ही जाएगा। मुझे तो खैर इस वीडियो को देखते हुए पूरी स्पीचलेस हो चुकी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ इस वीडियो के बारे में। खैर इतनी अच्छी वीडियो आप थी है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। और उस टाइम पे ये बोल देना कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में कि वो मेरा दीन ले लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैसे ये बात हम लोग आज के जमाने में जानते ही हैं, उन्होंने किस तरह से उनको अपनी चादर दी। और वो जो एक इसमें एक बुढ़िया की कहानी भी बताई थी कि वो अपना शहर छोड़ के जाना चाहती थी इसलिए कि उनके शहर में कोई जादूगर था, जादूगर से उनका जो संकेत था वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की तरफ ही था। वीडियो देखकर समझ में आ ही गया होगा आपको। तो उस वीडियो में भी आपने देखा कि उन्होंने जो बुढ़िया औरत थी उनकी कितनी हेल्प की, उसको दूसरे शहर छोड़कर आए और उन्होंने उन्हें अपना नाम तक नहीं बताया, उन्होंने खुद पूछा कि आप मुझे बताओ कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि मक्का में एक ऐसे नौजवान भी रहते हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की। मक्का अगर ऐसा शहर है कि मैं वहां से छोड़ के आई तो साथ में ऐसा भी शहर है कि वहां के लोगों ने मेरी कितनी मदद की। तब उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को खुद पहचाना। तो वही सब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। खैर मुझे तो वीडियो काफी अच्छी लगी, आप मेरा रिएक्शन देख के समझ ही गए होंगे। आई डोंट नो मुझे अभी भी क्या बोलना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बस सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थे वो यतीम थे, उनके अबू का इंतकाल पहले ही हो चुका था और उनकी जो अम्मी थी उनका भी इंतकाल पहले, मतलब जन्म के कुछ दिनों सालों बाद ही हो चुका था। तो एक ऐसी मौकर वो दूसरे लोगों की कितनी ज्यादा मदद करते थे, वो कितनी दयालु किस्म के इंसान थे, इससे पता चलता है। वैसे भी हम लोग आप पहले से जानते हैं, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और हमें भी यही करना चाहिए आजकल के जमाने में। ये तो उस जमाने की बात थी बट आजकल के जमाने में हमें यही करना चाहिए। वो हमारे नबी थे, हमें आज उनकी सीख को अभी तक बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें जिससे दूसरे लोग भी इनकी बातों से प्रभावित हो सकें, दूसरे लोग भी
इनकी बातों से प्रभावित हों, उन्हें क्या पता कुछ नया सीखने को मिले इससे, क्या वो लोग भी दूसरे की मदद करना चाहें। वैसे तो उनको ऐसा करना चाहिए, बट कुछ लोग होते हैं कि दूसरे की हेल्प नहीं करते। आजकल की दुनिया जमाना ऐसी हो चुकी है। तो मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। एक जो मेरी अगली वीडियो होगी बहुत ही अच्छी वीडियो होगी, आप लोगों को पसंद आएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।